गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गौरव जी। तो क्वेश्चंस लें या कुछ सिखाना है पहले? कैसा चल रहा है कोर्स रबीन? Doing good sir. I kind of I don't have practice speaking Hindi, but I understand. So go ahead. Okay. As long as you can understand, because yeah. Otherwise there will be English session as well. You can. No. I understand. I completely understand. Okay. So. तो कोर्स के अंदर जो असाइनमेंट्स मेरे को मिलते हैं उसके अंदर जो एक बहुत बेसिक सा मिस्टेक है आप सबका वो ये है कि आप लोग बेसिक बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं। एक बुक मैंने रिकमेंड करी पूरे कोर्स में, कौन सा बुक था? केबी पारसाई का। वो इसलिए रिकमेंड किया ताकि आपको हाउस का नॉलेज हो जाए। अच्छा, अभी मैं किसी से पूछूं यहां पे कि अम्ब्रेला कौन से हाउस से देखते हैं, कौन बताएगा? अम्ब्रेला या प्रोटेक्शन किस हाउस से देखते हैं? अम्ब्रेला बेसिकली प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करता है ना हमारे, कि हमें बारिश से बचाता है। कौन से हाउस से मैं देखूंगा कि मेरे को अम्ब्रेला मेरा ठीक होगा या नहीं होगा? सुवंश नहीं, फोर्थ हाउस नहीं है सुवंश। अच्छा, बॉडी का स्मेल कहां से देखेंगे? परफ्यूम का स्मेल कहां से देखेंगे चार्ट के अंदर? देखो वो जो 12 हाउसेज है ना, मैं क्यों इतना छोटी चीजें पिकअप करने के लिए बोलता हूँ, हो सकता है आपको भी यूज ना करो, हो सकता है कि आपको इतना माइन्यूट प्रेडिक्शन करने का हैबिट नहीं हो, ठीक है, पर मैं फिर भी बोलता हूँ कि आप इतना माइन्यूट प्रेडिक्शन देखिए, क्योंकि जब क्लासिकल डिकोड करने पर जाओगे तो अब आपको जरूरत पड़ेगा। कहां पे जरूरत पड़ेगा? पेंडिंग कर्म में जरूरत पड़ेगा, बिकॉज पेंडिंग कर्म में ना भगवान शिव का और माँ पार्वती का संवाद है, उसके अंदर वो नहीं समझेंगे कि मैंने ये इस हाउस से देखा। भगवान शिव सिर्फ स्टोरी बता रहे हैं, सत्यनारायण की सिर्फ कथा बताई जाएगी, उसके अंदर मतलब आपको ही ढूंढ के निकालना है। तो इस बेसिक कोर्स में अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो जब हम लोग आज से एक साल बाद, डेढ़ साल बाद जब पेंडिंग कर्मा कर रहे होंगे और तब आप वापस आओगे कि जंगली जानवर कहां से देखूं, इत्र की शीशी कहां से देखूंगा, अम्ब्रेला कहां से देखूंगा, प्रोटेक्शन कहां से देखूंगा, ब्राह्मण का दोस्त कहां से देखूंगा, तब आपको लगेगा यार पढ़ लेता बेसिक कोर्स में, उस टाइम पे ना मस्ती में टाइम निकाल दिया, फिर आपको वापस बेसिक करना पड़ेगा। क्योंकि ना मेरे साथ जो गलतियां मैंने करी है ना वो गलतियां मत करो, एटलीस्ट मेरी गलतियों से सीखो। अम्ब्रेला फिफ्थ हाउस से देखते हैं, बॉडी का स्मेल और परफ्यूम सेवेंथ हाउस से देखते हैं, ब्राह्मण दोस्त ब्राह्मण राशि से देखते हैं, ब्राह्मण राशि इसके अंदर पढ़ाया था जब अठवें ख्याल से 15th लेक्चर है वो, जब क्वालिटीज ऑफ राशि पढ़ा रहा था। तो इन सब चीजों को नोट करके रखिए। नेम ऑफ द बुक वॉज, व्हाट वॉज द नेम ऑफ द बुक? इट्स अ वेरी थिक बुक, Predictive Star Guide to Astrology. Do they sell it in US? I don't think. I'm sure, because it's a very standard book by KB Pasai. It's a Star Guide to Predictive Astrology. Otherwise, just Google on Amazon. Amazon definitely has it. Okay. Thank you. I prefer that book because it is a very detailed explanation about each house and different planet in different houses, like Mars in fifth house, and it starts explaining like 20 predictions. All 20 predictions will not be true, we know this, but what it books that gives you, it gives you the small event, that small things you need to pick up, and these things will later on help you to make remedies. You will understand why Lord Shiva is telling that dig a triangular pit, ki tikona gadda khodiye uske baad havan kariye, chauras gadda khodiye havan kariye, bhagwan shiv bol rahe hain karma vipak sahita mein, uske baad jaake na yara karma nil ho jayega. To tikona hame pata hai na, abhi to basic course mein sikhaya tha ki tikona kaun sa plant ko represent karta hai, कौन सा प्लांट हमें तंग कर रहे हैं? मनीष सुवंश, कौन सा प्लांट तंग करता है? तिकोना प्लांट, अगर तिकोना हम लोग यूज करें, मार्स, मार्स, केतु, केतु,
केतु ट्रायंगुलर फ्लैग था, सिखाया था रेमेडी में भी, ठीक है। तो लाल किताब का रेमेडीज हो या कर्म विपाक संहिता के पास्ट लाइफ का पेंडिंग कर्म के रेमेडीज, आपको काम बेसिक ही आएगा, बिना बेसिक के, बिना सिग्निफिकेशंस के नहीं जाएगा। अच्छा, मैंने एक टेक्निक सिखाया था कि जुपिटर जहां पे बैठता है वहां पर इंसान प्रॉमिस कर देता है भगवान से। सत्यनारायण की व्रत की कथा अगर आप बहुत सारे लोगों ने सुनी हो, आप सबके घर में होती होगी हर अच्छे ओकेजन पे, तो उसके अंदर भी देखना कि वो ब्राह्मण जो वैश्य होता है वो प्रॉमिस कर देता है कि मैं कर दूंगा, और वो प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाता। जुपिटर जहां बैठता है वहां पे इंसान भगवान से प्रॉमिस करता है, जुपिटर के लेक्चर में सिखाया था। पर ये मैंने सिर्फ एक क्लाइंट का सिखा के छोड़ दिया क्योंकि पेंडिंग कर्मा का पार्ट था, तो मैंने सोचा चलो बाद में सिखा दूंगा बाकी का, या आप लोग पिकअप कर जाओगे। पर आप में से किसी ने भी ये नहीं सोचा कि सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का बता के छोड़ दिया इस आदमी ने, बाकी लोगों की चीजें भी तो होंगी, दोस्त भी तो होंगे, बच्चों के प्रति जिम्मेदारियां भी तो होंगी। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिम्मेदारी उठाते ही नहीं है, तो वो सब मैं चार्ट में कौन से प्लांट से देखूंगा। किसी ने भी उसके ऊपर काम नहीं करा। देखो मैं टेक्निक का ना एक पार्ट सिखाता हूँ, लास्ट टाइम मैंने सैटर्न का एक पार्ट सिखाया, सैटर्न का रेमेडी मैंने इंग्लिश में सिखाया था, मैं हिंदी में सिखा देता हूँ। और ये इसलिए सिखाया था क्योंकि ट्रॉपिकल जोडियक और साइड्रियल जोडियक पे बहुत सारा डिबेट था। इवन मेरे सबसे पुराने स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर साइड्रियल ये ट्रॉपिकल जोडियक काम करेगा क्या, उसके दिमाग में भी डाउट था। तो उसके लिए एक रेमेडी था, मैं रेमेडी का स्टोरी इस रेमेडी में क्या बोलते हैं ये जो टेक्निक है मैं एक लाइन में समझा सकता हूं, पर मैं देखना आपको ये बताना चाहता हूं कि वो टेक्निक आया कहां से। देखो एक लाइन में लिखा गया कि शनि की दसवीं दृष्टि से भगवान गणेश का सर हटा दिया गया, एक लाइन में लिखा गया पुराण के अंदर। इसका मतलब ये है कि सैटर्न का 10th एस्पेक्ट सर्जरी देता है, बॉडी के अंदर करेक्शन देता है। आप देखिए शनि की दसवीं दृष्टि ट्रांजिट में, गोचर में, और आपके नेटल चार्ट में जहां पर भी पड़ रही होगी वो वाला बॉडी पार्ट के अंदर आपको करेक्शन करना पड़ेगा। जैसे कि अगर किसी के पांचवें घर में शनि है तो दूसरे घर में उसको स्पेक्टिकल्स लगाने पड़ेंगे, करेक्शन करना पड़ेगा, स्पेक्स लगाने पड़ेंगे। तीसरे घर में है, छठे घर के अंदर अगर शनि है तो तीसरे घर में मतलब या तो कान के अंदर या थ्रोट के अंदर कुछ ना कुछ करेक्शन करवाना पड़ेगा। ट्रांजिट के अंदर भी होगा और उसी पर्टिकुलर दिन पे होगा। अभी मैं बताऊ किस पर्टिकुलर दिन पे होगा, ये कैसे देखेंगे कि हर चार्ट के अंदर मैं एक चार्ट शेयर करता हूं, ठीक है। ये जैसे सपोज करो चार्ट है, अभी इस चार्ट के अंदर 13 degree 36 minutes का असेंडेंट राइजिंग है, लग्न जो है 13 degree 36 minute का स्वाति नक्षत्र में राइज हो रहा है। इसका मतलब ये इस चार्ट का सबसे ज्यादा इफेक्टिव पॉइंट है। जो भी प्लैनेट इस डिग्री के आसपास का होगा वो बहुत इफेक्टिव होगा। जैसे कि इस पर्टिकुलर चार्ट में जुपिटर एग्जैक्टली 13 degree 47 minute का है, तो जुपिटर सबसे ज्यादा इफेक्टिव प्लैनेट है इस चार्ट में। अब जिस पर्टिकुलर दिन पे शनि 13 degree 36 minute पे आएगा, जिस भी हाउस के अंदर 13 degree 36 minute वो या कोई भी प्लैनेट 13 degree 36 minute पे आएगा, वो पर्टिकुलर डे आपके उस वाले अंग के अंदर, जैसे कि अगर मैं देखूं कि अभी शनि जो है 9 number के अंदर है, और जब शनि 13 degree 36 minute पे आया होगा तो फादर को तंग दिया होगा, या तो फादर को प्रॉब्लम दी होगी या इसके कंधे के अंदर, क्योंकि 11th लॉर्ड बैठा है ना सन, वहां पर कोई ना कोई प्रॉब्लम करा होगा और उसको बीमारी हुई होगी। उसी पर्टिकुलर दिन होगा इवेंट वाला। ये टेक्निक समझ में आया सबको?
कोई है जिसको ये टेक्निक समझ में नहीं आया? सो हाँ जी सर, बॉडी पार्ट में तो प्रॉब्लम नहीं हुई थी, पर मैं धनु लगन का हूँ. अच्छा. तो मेरे 10th हाउस में वर्गो पड़ती है. अच्छा जी. तो पिछले साल सैटर्न 15 अक्टूबर को लगन में था मेरे. अच्छा जी. तो 10th एस्पेक्ट वर्गो पे आ रही थी. ठीक है. तो सर एग्जैक्ट उसी दिन में यूनिवर्सिटी नेशनल यूनिवर्सिटी फाइनल में हार गया था चेस. ठीक है. तो अच्छा, 6,000 ऑफ कॉम्पिटिशन. ये मैंने टेक्निक का ना, मैंने पूरी टेक्निक कभी नहीं सिखाऊंगा, ध्यान रखना. मैं पूरी टेक्निक कभी भी नहीं सिखाऊंगा, किसी को नहीं सिखाऊंगा पूरा टेक्निक. क्यों नहीं सिखाऊंगा? क्योंकि स्पून फीडिंग नहीं करूंगा. स्पून फीडिंग से ना ज्योतिष नहीं बनते. टेक्निक ढूंढ के लेके आया, आपको तरीका बताया, कैसे बाहर लेकर आया वो बताया, किस दिन इवेंट हुआ वो बताया. अब इसके अंदर दो पार्ट हिडन कर दिए मैंने, इसका दो इसका वेरिएशन है इसी टेक्निक के अंदर. जिस स्टूडेंट को मैं ये कर रहा था, जिस स्टूडेंट के साथ मैं ये कर रहा था, तो 20 जून का दिन था. ठीक है. 20 जून को मैंने उसको बोला, देख आज के दिन तेरे को ना शादी की डेट आएगी, आज के दिन ही लड़की का फोन आएगा, आज के दिन ही तेरे को ना लड़की वाले अप्रोच करने चाहिए. मैं उसको शाम को 3 बार फोन करके पूछा. अपने को रहता ना अपना प्रेडिक्शन ठीक होना चाहिए, और अपना प्रेडिक्शन ठीक नहीं होगा तो वो एक्साइटमेंट रहता है अंदर, यार गलत कैसे हो गया प्रेडिक्शन. रात के 11 बजे तक पूछा उसको फोन करके व्हाट्सएप पे कि आया क्या किसी का फोन, कोई रिश्ता आया क्या, क्योंकि उसकी शादी सडनली होनी है, झटके से होनी है. बोला नहीं आया सर, 20 जून को नहीं आया कोई, 20 जुलाई को लड़की आई. ठीक है. नाउ अभी वो मेरे को परसों बोला, सर आपको याद है आपने उस दिन को 4 बार फोन करा प्रेडिक्शन के लिए, मैंने 4 बार मना कर दिया. पता है 20 जून को क्या हुआ था? वो जो गर्लफ्रेंड बनी, वो पहली बार उसकी ऑफिस में एंट्री हुई उसकी, उस दिन उसका ज्वाइनिंग डेट था. तो प्रेडिक्शन ना कई बार ऐसे भी आएगा, तो कभी निराश मत होना अगर ऐसा लगे ना कि उस पर्टिकुलर दिन पे नहीं हुआ, वो सीड जो है ना उस इवेंट का उसी दिन होगा. पर अगर मैं शादी देख रहा था तो डेफिनेटली मैं जुपिटर देख रहा था. तो जुपिटर जब भी क्रिटिकल डिग्री से जाएगा, आप शादी के लिए बोल सकते कि इस दिन ना तेरे को दशा सपोर्ट करती हुई होनी चाहिए. ध्यान रखना ट्रांजिट दशा के डिपेंडेंट होते हैं इवेंट करवाने के लिए. सपोज करो किसी की शादी की दशा नहीं है, या किसी की चोट लगने की दशा नहीं है, किसी की मार खाने की दशा नहीं है, तो उसको ना बुरा ट्रांजिट इफेक्ट नहीं करेगा, या जुपिटर का ट्रांजिट शादी नहीं दे पाएगा. पर किसी की दशा सपोर्ट करती हो शादी का, ट्रांजिट उसको जैसे ही अपने पॉइंट पे आएगा ट्रिगर कर देता है उस समय. तो ये बात ध्यान रख के चलना, ट्रांजिट और दशा साथ साथ लेके चलना, और दशा के अंदर भी 3-4 दशा देख लेना आगे पीछे, कालचक्र, विमशोत्तरी चक्र, तो 2-3 दशा अपने आप को सिखा लेना. पर हाँ इवेंट उसी दिन होता है, ट्रॉपिकल साइडरियल के चक्कर में मत पड़ना. सर सॉरी, मैं टाइमिंग की वजह से थोड़ा कंफ्यूज था, मैं ज्वाइन नहीं कर पाया क्लास को. कोई परेशानी नहीं सर, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग आपके अकाउंट में आ जाएगी. थैंक यू सर. सर मैं अक्सर अपनी सिस्टर से बात करता हूँ, मैं अभी एक ही एरीज कंप्लीट की है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 4-5 चार्ट के ऊपर प्रेडिक्शन की है, बहुत बढ़िया निकली. और मेरी सिस्टर बोलती है मैं दुआ करूंगी कि आपकी उम्र लंबी हो, और मैं दिल से बोलता हूँ सर जेकर कोई ऐसी ऑप्शन हो कि मैं अपनी उम्र आपको दे दूंगा सर, मैं तो सर सोचता हूँ मैं भजन हूँ इस धरती के ऊपर. आप सर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर, बहुत बढ़िया. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच सर. आप अच्छी तरह सीखिए, मेरे यही मेरी फीस है, यही मैं चाहता हूँ कि आप ज्योतिष का नाम आगे लेके जाइए. थैंक यू सर, थैंक यू जी. ओके सर, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे अहेड, प्रणाम. थैंक यू सर, गुड नाइट सर. ना क्या बोलते हैं, जब भी सन का वो हो ना, तो सन की रेमेडी ना किसी को ध्यान से देना, बिकॉज सन ना किसका कारक है, आत्मसम्मान का कारक है. तो अगर कोई मैरिड पर्सन है और उसका सन कहीं से भी 7th हाउस से लिंक्ड है, ठीक है, और लिंक्ड अगर नहीं भी है, 7th हाउस से लगन से कहीं ना कहीं लिंक्ड है, या 5th हाउस से भी लिंक्ड है, और उसको अपने सूर्य का रेमेडी बताया, तो ना हस्बैंड एंड वाइफ में बहुत झगड़ा होता है उसके बाद. देखो रेमेडीज बताते वक्त ना ध्यान रखना कि किस चीज को आप पावर दे रहे,
सपोज आपने किसी को बोला कि तांबे का कड़ा पहन लो, बहुत सिंपल सा रेमेडी है, तांबे का कड़ा किसी के हाथ में पहना दो, तो वो इंसान का ना एनर्जी बढ़ जाता है उनका, पर उसके ना घर के अंदर झगड़ा होगा, बिकॉज अभी ना उसके अंदर अहंकार बढ़ रहा है, उसका अहंकार बढ़ रहा है, तो घर के अंदर लड़ाई होगी। न्यूली मैरिड कपल्स को कभी भी मरकरी के रेमेडीज मत करवाइए, बिकॉज मरकरी क्या देता है, इंपोर्टेंसी देता है, इंपोर्टेंसी देगा वो, उसको ये नहीं पता चलेगा उसका खराब क्या हो रहा है। अगर आपने उसको ग्रीन स्टोन होता है ना, ग्रीन एमराल्ड, अगर वो पहना दिया, जस्ट अ सेकंड, अगर आपने किसी भी मैरिड कपल को, न्यूली मैरिड हो या सही एज हो, और आपने उसको एमराल्ड, ग्रीन एमराल्ड पहना दिया, उसको इम्पोटेंसी इश्यूज होने लगेंगे। मत पहनाइए कभी भी किसी न्यूली मैरिड कपल को। अगर हस्बैंड और वाइफ में वैसे भी झगड़ा चलता हो, तो किसी भी मैलेफिक को इन्फ्लुएंस मत करिए, बढ़ाइए मत, उसको घटा दीजिए। सूर्य को एनर्जी मत दीजिए, क्योंकि अगर आपने सूर्य को एनर्जी दे दिया या सूर्य को ताकतवर कर दिया, बिकॉज क्या था कि एक ना बहुत हाई रैंकिंग ऑफिसर था, हाई रैंकिंग तो आईएएस लेवल बट इन रेलवे, उसका ना वाइफ के साथ बनता नहीं था और प्रॉब्लम था ऑफिस के अंदर। मैं उसको बोला कि ना कड़ा पहन ले थोड़े दिन वाइफ से, बिकॉज अभी ट्रांसफर रखा था तो अलग रह रहा था, मेरा थोड़े दिन कड़ा पहन, काम हो जाएगा। वो बंदा ने मेरे से बिना पूछे ना रेड माणिक आते हैं, माणिक पहना, उसके बाद से ना ही बिकेम फिजिकली अब्यूजिव टुवर्ड्स वाइफ। तो स्टोन्स का असर बहुत ज्यादा रहता है। किसी को आप स्टोन पहना रहे हैं तो लॉर्डशिप के साथ साथ उसका नेचुरल सिग्निफिकेशन भी देखिए, कि उसको नेचुरल सिग्निफिकेटर क्या है, क्या बढ़ेगा। शनि दुख का कारक है, और अगर वृष लगन वालों को पहना रहे हो तो देख लेना कि क्या बढ़ने वाला है, कहीं डिप्रेशन में तो नहीं चला जाएगा ये, या तंत्र की तरफ तो नहीं भागेगा। तो कोई भी स्टोन करवाने से पहले, सिक्स्थ हाउस का मून हो, मतलब फोर्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में हो, और उसको मोती पहना दीजिए आप, वो भला नहीं करेगा उसका, बल्कि वो और अशांत होगा। तो या सेकंड लॉर्ड के साथ हो, या सेकंड हाउस में आके बैठ जाए, या फोर्थ हाउस में आके बैठ जाए। फोर्थ हाउस आपका नर्चरिंग है, कि आपको ना डेवलपमेंट कितना होता है, आपको प्यार कहां से मिलता है, फोर्थ हाउस से, आपको खाना कहां से मिलेगा, फोर्थ हाउस से। तो ट्वेल्थ लॉर्ड का कनेक्शन फोर्थ हाउस से, फोर्थ लॉर्ड से, कहीं से भी हो जाएगा। उस दशा के अंदर आपको खाना मांग के ही खाना पड़ेगा, आप देख लेना। प्रश्न चार्ट में भी देखना कि आप किसी का प्रश्न चार्ट बनाओ और ट्वेल्थ लॉर्ड फोर्थ के साथ कंजंक्ट हो जाए, या कहीं ना कहीं फोर्थ के अंदर आ जाए, तो बोल देना कि खाना मांग के खाना पड़ रहा है। वो इंसान की हालत ना ऐसी कर देता है वो लॉर्ड, अगर मैलेफिक है तो ज्यादा करेगा, बेनिफिक है तो प्यार से करेगा, खाना एटलीस्ट अच्छा दिलवाएगा, बेनिफिक है तो। पर खाना मांग कर ही दिलवाएगा किसी के डिपेंडेंट, आप नहीं ले पाओगे। सर, हाँ जी सर, मेरा राहु 12th हाउस में ज्येष्ठ, अच्छा जी, और 2013 से उसकी मां दशा चालू हो गई, अच्छा जी, और मेरी इतनी पिटाई करी है राहु ने कि मैं आपको बता नहीं सकता। नहीं, क्या नाम है वो, आपका नाम क्या है? सनी कृष्णदेव। कृष्ण, अच्छा कृष्ण जी, क्या हर किसी की होती है लाइफ है? सर मैं बिल्कुल आइसोलेट कर दिया है मुझे दुनिया से। 12th हाउस है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ, कहीं भी नहीं हूँ, मेरे कोई दोस्त नहीं है, मैं एकदम अकेले रहता हूँ, क्योंकि 12th हाउस ऑफ लॉस। हाँ, और जब से मैंने मतलब आपसे एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू किया है, तब से पता नहीं क्यों धीरे धीरे मेरी जो सारी प्रॉब्लम्स थी वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो रही है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ज्योतिष आपको सुकून, देखो किसी भी विद्या का ना एक ही, सिर्फ और सिर्फ एक रूल है, वो आपको सुकून देगी। विद्या से अंधकार मिटता है, तो अंधकार कोई ऐसा तो है नहीं क्योंकि लाके लाइट बल्ब जला देगा। आपके लाइफ का प्रॉब्लम ना आपको पाथ दिखने लगता है, आपको लगता है कि आना है, ये अब ऐसे हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा, क्योंकि 12th हाउस में तो अंधेरा रहता है, 12th हाउस में कुछ दिखता नहीं है सर। यहाँ तक कि मैं आपकी जो वीडियो देखता हूँ, जिस साइन की देखता हूँ,
उस साइन से रिलेटेड इवेंट्स मेरी लाइफ में घटना चालू हो जाए वो सबके साथ है। वो मैंने एक वीडियो में बताया भी, मेरे ख्याल से लियो के लेक्चर में बताया कि आप जो भी साइन सुनोगे, अरे आप देखो ना, आप किसी को बुला रहे हो ग्रह को। अपने हर वीडियो से पहले मैं ग्रह की पूजा करता था कि आपका वीडियो पढ़ाने जा रहा हूं, आप देखना है, आपने बोलना है। हर वीडियो से पहले बोलता था, हर क्लास से पहले। तो आप ग्रह को इन्वोक करके पढ़ा रहा था और वो ना आए, तो मतलब मैंने ढंग से पूजा ही नहीं करी थी फिर। करेक्ट सर। सो फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहूंगा। हाँ जी बोलो। जब मैंने टॉरस की वीडियो देखना चालू की तो मेरे जिम में एक लड़की आती थी जो मुझे अच्छी लगती थी। जब मैंने टॉरस की वीडियो देखना चालू की, जिम में वो लड़की आती है सर, उसने खुद आके मुझसे कन्वर्सेशन चालू कर दी। अमेजिंग। अच्छा। जब मैंने जेमिनी की वीडियो चालू करी तो मैंने मेरे नेबर का चार्ट 8 साल में पहली बार देखा और वो वर्गो असेंडेंट की निकली। अच्छा। जब मैंने कैंसर की वीडियो देखना चालू करी तो मेरी एक फ्रेंड से मिलने आ गई और वो कैंसर असेंडेंट निकली। जब मैंने लियो की वीडियो देखना चालू करी तो मेरे एक बचपन का दोस्त अचानक मुझसे मिलने आ गया और वो लियो असेंडेंट निकला। बहुत अच्छा। मतलब मैं जो आपकी वीडियो देखता हूँ उससे रिलेटेड इवेंट्स घटना चालू हो जाती। वो ना ग्रह इन्वोक्ड है, ठीक है। जब भी मैं कोई क्लास पढ़ाता हूँ तो उससे पहले ना ग्रह से पूजा की जाती है। मैंने कोर्स किया था, जिससे कोर्स स्टार्ट किया था उससे पहले हवन किया था, 4 मई की रात को। उससे पहले एक हवन था, 5 मई को भी एक हवन था, 2 हवन किए थे। तो ग्रहों को जब इन्वोक करके पढ़ाते हो, ठीक है, तो ग्रह आएंगे तो उसका असर आपको भी आएगा। आप सोचते हो कि आप बच जाओगे इस कार्मिक, उससे नहीं बचने वाले। तो अभी नक्षत्र पढ़ाने जा रहा हूं तो उसके लिए भी यही सेम प्रोसीजर है सर। यहाँ तक कि मेरा जुपिटर वर्गो में है और लास्ट वीडियो मैंने वर्गो देखी थी, तो आज आपसे बात करने को मिल रहा है क्योंकि जुपिटर इज टीचर गुरु। हाँ बराबर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी मनीष जी। सर सोप रेमेडी क्या? मनीष जी सोप रेमेडी। हाँ जी, उसमें रोहिणी नक्षत्र में जामुन का यूज करने बोला है। हाँ, पर ना मनीष पता है क्या, वो रेमेडी मैंने बता दिया, ऑनलाइन बता दिया। हाँ। पर ना उसको बहुत ध्यान से यूज करना, पता है क्यों? वो रेमेडी ना एक ऐसा लूप खेलता है, बिकॉज जो नक्षत्र एक्टिवेट करोगे वो वाला हाउस, उसका लॉर्ड जहां पे जा रहा है वो वाला हाउस, और उसका सेकंड हाउस, बिकॉज 2 लॉर्डशिप्स होते हैं हाउसेस के। हाँ। वो दोनों एक्टिवेट होंगे, वो ऐसा लूप क्रिएट करता है कि कई बार ना वो संभाले नहीं संभलता। उस वो रेमेडी बहुत पावरफुल है। ओके। पर ना देख लेना कि क्या एक्टिवेट कर रहे हो करने से पहले। सर 11th हाउस में सन है। अभी मैं एक एग्जांपल देता है कि 12th हाउस में राहु था, सेकंड लॉर्ड का रेमेडी दिया था, मतलब उसको बोला था पैसे का वो चल रहा था, तो उसका सेकंड हाउस का उसका रेमेडी दिया था। पर उसका जो लॉर्ड था ना, दूसरा लॉर्ड मतलब एक्वेरियस का लॉर्ड राहु 12th हाउस में बैठा है, उसको जॉब का ऑफर तो आया, पर कौन सी फर्म से आया? कि उसमें सारे मुस्लिम्स थे, ऑल 24-25 ऑफ देम। राहु इन द 12th हाउस, सिटी से बाहर का जॉब वेयर द राहु इज। तो इस तरीके से एक्टिवेट होता है वो। तो एक्टिवेट तो कर रहे हो, पर ध्यान से जरा ना। जुपिटर इज इन 12th हाउस इन द नेटल चार्ट। अच्छा, ठीक है। पहला तो हमारा ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया ना, जुपिटर 12th हाउस में गया। एग्जैक्टली, राइट राइट, ठीक है। अभी जुपिटर 12th हाउस का, चलो अभी लाल किताब सिखाता है। जुपिटर 12th हाउस में क्या बोलता है? लाल किताब का सूत्र बोलता है जुपिटर 12th हाउस में, तख्त नशीन बादशाह। ठीक है, अभी इसका क्या मतलब है कि जुपिटर 12th हाउस में ना, 12th हाउस देने का हाउस है, कि हमें देना है, डोनेशन का हाउस है। जुपिटर किस चीज का कारक है? अच्छी चीजों का, हेल्प करने का, धर्म का, पुण्य का। तो ऐसा लोग ना अपना पुण्य, जब कोई अपना पुण्य किसी गलत काम पे खर्च कर देता है, किसी बुरे, कोई अभी कोई साधु रहेंगे ना तो उनको पता नहीं होता, उनका दिमाग हमारी तरह नहीं चलता तेज, वो सीधा सीधा सोचते हैं। तो उनके पास कोई भी आता है, चोर आता, लुटेर आता, बोलते हैं कि मेरा भला कर दो, वो कर देते हैं, ले जा, अपना पुण्य दे देते हैं उसका भला करने के लिए। तो जब कोई गलत आदमी को हेल्प करता है, उसकी वजह से जुपिटर इस लाइफ के अंदर 12th हाउस में मिलता है। तो लाल किताब बोलती है तख्त नशीन बादशाह, कि ऐसा इंसान ना जिसको जो आए दे दे, ले जाओ, मना नहीं करेगा, विद्या दे दो जुपिटर 12th हाउस में। तो ऐसा इंसान को क्या नहीं करना चाहिए?
किसी का हेल्प करने से पहले सोच लेना चाहिए कि मैं किसका हेल्प कर रहा है। मतलब ऐसे लोग ना शराब, जिनको कोई हेल्प नहीं करना चाहता ना, ये उसका हेल्प करते हैं, शराबी का, चोरों का, कि इसका भला, इसका कोई नहीं है चलो इसका हेल्प करते हैं। मतलब वो ऐसा करते हैं कि जैसे वो लोग नहीं होते कि इसके पास शराब पीने के पैसे नहीं थे चलो मैंने दे दिए, वो ऐसे हेल्प करने का कोशिश करते हैं। मतलब वो जस्टिफाई करते हैं क्योंकि उनका दिमाग और दिल ना ऐसा है कि वो इतना इतना बड़ा दिल रखते हैं कि वो देते सोचते हैं कि इसको क्या दे रहा हूं मैं, किस काम के लिए दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है अनगर, ठीक है साइक फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसकी जैसे कर्स है जुपिटर 12th हाउस का, तख्त नशीन बादशाह, इनको बोलना ये वाला रेमेडी करने के लिए हो जाएगा, ठीक है। और हेल्प करने के लिए, हेल्प करने के लिए कौन सा साइन का जुपिटर है, कैप्रिकॉर्न का ना, हाँ yes. बहुत अच्छा रेमेडी है ना, बहुत अच्छा रेमेडी है, गजेंद्र मोक्ष, ओके गजेंद्र मोक्ष का पाठ। और बोलो अच्छा इसके अंदर टाइमिंग क्या होगा, कैसे टाइम करेंगे इसके अंदर, इसके अंदर टाइमिंग करना क्या कि इनका वर्क प्लेस पे इन्होंने किसी को हेल्प करा इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, किसी को सिखाया होगा, कोई ना कोई नॉलेज दिया होगा, उसके वजह से इनका बच्चा नहीं होता, उसने कहीं ना कहीं से कंपनी का वाट लगाया होगा, इसके वजह से इनको ये नहीं हो रहा। Yes, you are right. ठीक है, डन, खत्म हो गया केस। आपका शुक्रवंशी का आपका दिस दोष है, एंड मेरे बहन के चार्ट में आपका दैट मून चंद्र दैट कॉम्बिनेशन इज जब पेंडिंग कर्म सिखाएगा ना तो मैं बताएगा कि उसके अंदर ना महर्षि पराशर ने बहुत क्लियरली बोला कि आपका कौन से कर्म का जन्म इस जन्म में आ रहा है। ओके ओके, ठीक है, तो हो सकता है कि वो फोर्थ पार्ट का हो, चार से चार जन्म पहले का हो। ओके ठीक है, आई विल टीच यू ऑल दिस, डोंट वरी, वेट फॉर द पेंडिंग कर्म, पर अभी तो ये वाला काम करो, हो जाएगा ठीक इससे। एंड वन लास्ट क्वेश्चन, ओके, सो अगर कोई फैमिली में एवरीवन इन दैट फैमिली राहु एंड केतु इज इन 3 and 9 एक्टिव, एवरीवन इन माय फैमिली, ठीक है, मेरा है, मेरे बहन का है, मेरे बेटे का है, हस्बैंड का है, ब्रदर इन लॉ का है, सब, हाँ, वो जेनेटिक्स ना, व्हेन यू विल लुक इन लॉट ऑफ चार्ट्स ना यू विल रियलाइज कि किसी के चार्ट से भी किसी का चार्ट प्रिडिक्ट होता है। लाइक अभी वो अपने इसी बैच के अंदर था ना, चेतन जी थे, उसने अपने ब्रदर का चार्ट दिखा रहा था, उसका ब्रदर के चार्ट्स में उसको बोल रहा है कि ना तेरा वाइफ को पीसीओडी है, और अपने वाइफ को बोल यहाँ से शूरा खटा, तेरा वाइफ का पीसीओडी ठीक होगा। उसने करा, वो लास्ट इलेक्शन में बोला कि 2 महीने से पीसीओडी नहीं हुआ। तो पूरे चार्ट, किसी का भी फैमिली में चार्ट उठाओ, उससे पूरा घर का प्रेडिक्शन करने का कोशिश किया करो, क्योंकि अगर आपको कोई 5,000 रुपीज दे रहा है, 10,000 रुपीज दे रहा है, तो एटलीस्ट उसका वो वर्थ उसको मिलना चाहिए कि एक चार्ट में एटलीस्ट तीन प्रेडिक्शन, तो तीन फैमिली का प्रेडिक्शन तो होना चाहिए ना उसका। सर ये मैंने रिसेंटली किया था, मेरी फ्रेंड की चार्ट से उसके पापा, उसकी मम्मी और उसके भाई के बारे में बहुत कुछ उसको बताया, वो एकदम स्टंड रह गई थी, बोली मेरी कुंडली देख के तुम मेरे फैमिली वालों के बारे में कैसे बता सकते हो। हाँ, मैंने को बता सकता हूँ, वो हैबिट में अपना लेकर आऊ। पता क्या, मैंने अभी ना अभी प्रेडिक्शन करना स्टार्ट किया है पिछले 2 दिन से, क्योंकि मैं बिजी होना चाहता था, और ना मैं इतने दिनों बाद प्रेडिक्शन करना स्टार्ट कर रहा है ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा है पुरानी गाड़ी स्टार्ट करते ना इंजन का, वो झटके ले लेके स्टार्ट होती है, तो मेरे को खुद को प्रेडिक्शन में लग रहा था कि झटके ले लेके स्टार्ट हो रहे हैं, तो प्रेडिक्शन करना मत छोड़ना, मैंने भी दोबारा भी स्टार्ट करा इसलिए। करेक्ट, मैंने भी किया था ये, करा था सर, लिब्रा सैटर्न रेट्रो थर्ड हाउस। अच्छा, लिब्रा सैटर्न रेट्रो थर्ड हाउस, ठीक है, तो ये किस चीज की दलाली करवा रहे हैं? पड़ोस में मैंने कहा था कोई ड्राइवर होंगे या किसी लोहे से संबंधित काम करते होंगे। अच्छा, वो है ठीक, लेकिन अच्छी पोजीशन पे करीबन 40 ट्रक है। अच्छा, बहुत अच्छी बात। अच्छा जी, दिस दत्तात्रेय, माय सेकंड एंड माय एंड द धनु लग्न है, सिने माय सेकंड एंड थर्ड लॉर्ड सैटर्न इज दशना इज गोइंग राइट नाउ। हां जी,
which the Saturn is aspecting from the Venus from the sixth house, which is from the Taurus. So I'm getting the financial and the job issues are going. Achha. Yeah, these two. And when I check from the Kaladrasha, it is working for the excellent, sir. I'm telling you that it's a fruit from you that we are benefit like anything. I need a remedy for this, actually, for this. Achha. Second land. Saturn kahan pe baitha? In the 12th, sir. Scorpio. Achha. Scorpio ke andar Saturn ja ke baitha. Saturn kis cheez ka karak hai? Saturn... 12th घर के अंदर हमें डोनेशन करवाना है. मैंने बोला 12th घर के अंदर प्लांट चले, डोनेशन करवा दो. ओके. क्योंकि आप नहीं करोगे तो वो अपना एनर्जी बढ़ाएगा. तो स्कॉर्पियो क्या कहता है, सैटर्न का स्कॉर्पियो कहता है कौन सा कर्स बनेगा ये. जब पक्षियों के बच्चों को लोग मारते हैं तो शनि स्कॉर्पियो में 12th घर में जाता है. ठीक है, किसको? फ्लाइंग बर्ड्स के बच्चों को, अंडों को. ठीक है, तभी जाके ये कॉम्बिनेशन मिलता है इस जन्म के अंदर, उससे पहले नहीं मिलेगा. तो आपको क्या करना चाहिए? बर्ड्स को फीडिंग देना चाहिए उनको. अगर हो सके तो कोई, जब क्योंकि 12th घर कैद का है तो जो चिड़िया नहीं होती जो वो पिंजरा में लेके घूमते हैं, उनको फ्री करने का. ओके. उनको फ्री करोगे सैटर्न ठीक हो जाएगा. यही रेमेडी है. ठीक है, पर मैं चाहता हूं कि आपने रेमेडी पूछा है ना, तो अभी ना इसका प्राइस ये है कि सैटर्न 12th हाउस को वो करके लेकर आओ. एटलीस्ट 10-15 चार्ट पे देख के लाओ बाकी सब लोग क्यों सफर कर रहे हैं. ओके. ठीक है, रेमेडी का प्राइस है ये, रेमेडी का. ठीक है, सर अगर केतु 12th में हो तो, और सेजिटेरियस में हो तो उसको क्या पूजा नहीं करनी चाहिए या मंदिर नहीं जाना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं जाना चाहते मंदिर? तो केतु आपने बोला जैसे 12th हाउस में, केतु 12th हाउस में बहुत सारे पैसे देता है, आपको पता है? आपको पता है केतु जिससे भी 12th जाता है उसको बढ़ा देता है. अच्छा, फिर से सुन लो अब एक और श्लोक बोलता है जैमिनी सूत्रम का. जैमिनी सूत्रम उपदेश 1 where it says केतु अगर 12th हाउस में हो आरोद्र लगन से बहुत पैसे देगा. सो कौन से सूत्र पे थे हम लोग? हाँ, केतु जिस भी हाउस से 12th जाता है उस वाले हाउस को वो बड़ा. ये बहुत सिंपल सा. हाँ जी नागा जी. हाँ जी, यस मैम. सर इफ राहु इज फ्रॉम 12th फ्रॉम आरोद्र लगन देन नहीं बढ़ाएगा. ये प्रिंसिपल सिर्फ केतु के लिए है. ये प्रिंसिपल सिर्फ केतु के लिए काम. ठीक है सर, अगर उसका केतु की दशा चल रही हो तो 12th हाउस, या तो केतु की दशा हो या केतु जिस साइन में बैठा, बिकॉज ये जेमिनी प्रिंसिपल है. ये जेमिनी प्रिंसिपल है तो इसके अंदर क्या है कि राशि दशा देखी जाएंगी. ठीक है, अब जेमिनी के अंदर बहुत सारी राशि है तो इसके अंदर हमें ये देखना है कि कौन सी राशि एप्लीकेबल है. सर राहु का एक प्रेडिक्शन था मेरा, 5th हाउस राहु, बेल्ट का बक्कल बड़ा होगा. अच्छा, बहुत अच्छा है. थर्ड हाउस 11th हाउस का केतु, 3 घड़ियां होंगी उसके पास में, 3 घड़ियां हैं और 2-3 जगह चेक किया है वो आपका, उससे निकाला था कि डायल बड़ा होगा, घड़ी का डायल बड़ा होगा. हां उससे निकाला. बहुत अच्छा प्रेडिक्शन है. तो वो चीज चेक की मतलब काम हो रहा है. राहु उसके अंदर अपना सेजिटेरियस में मंदिर हवा में है, 5th हाउस और 9th हाउस दोनों का चेक किया था. गर्भ 12 राशियां सीखी है. आज से पहले सर प्रेडिक्शन नहीं पकड़ा गई, इतना सर इतना पकड़ा गया है कि चेहरा देख करके लगता है कि कौन सा प्लैनेट लग्न में होगा या लग्न कौन सी होगी. ठीक है ना, फील आता है ना अभी. आज से जब कोर्स स्टार्ट करा था बोलते थे प्रेडिक्शन नहीं होता, प्रेडिक्शन होता है. ठीक है, अभी जब प्रेडिक्शन ये नक्षत्र पे आओगे तो अभी और भी आएगा, टेंशन मत लो. ठीक है, अब रेमेडी के लिए लोग तरस रहे हैं, बोले रेमेडी बताओ कुछ क्या होगा. रेमेडी भी आएगा. हां जी, हां जी मैम. हां जी किंजल जी. So in a PowerPoint presentation, I didn't understand slide number 19. हाँ, मेरे को बोला उन्होंने कि कोई क्वेश्चन है टेक्निकल, मैं देख के उसको रिप्लाई कर दूंगा. Okay, and also I'm not able to download the Jagannath Aura on my Mac. What do I do? Mac पे डाउनलोड नहीं होगा वो. Mac के लिए ना आपको, because वो exe फाइल है. Okay. ठीक है, Mac के लिए नहीं है. Mac के लिए either there's another software. Just type download any astrological software for the Mac. Okay.
Okay. जगन्नाथ पूरा काम नहीं करेगा उसमें. Okay, but is there any free available online? Because I haven't. Yes. Yes. Okay. Yes. There okay. are. Okay. If you have any usually, options, can you please let me know? I don't use Mac. Use Mac anymore. But okay. I'm very sure that there are softwares available. Okay. There's one. Suvansh has told you. Download emulator to run in Mac. Okay. These are all technical stuff. Okay.